क्लास सेवन्थ है ना। आज जो है हम साइंस एक चैप्टर पढ़ेंगे, पौधों में पोषण है ना, पौधों में पोषण है, ध्यान देना थोड़ा सा। चैप्टर ही पौधों में पोषण। देखो तो पौधों में पोषण, देखो समझना, पौधों में पोषण माने पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाते हैं या पेड़ पौधा अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं ना, ध्यान देना। तो सबसे पहले पौधों में पोषण जानने के लिए, पोषण जानने के, पोषण है क्या, तब पोषण जो होता है एक प्रक्रिया होता है ना, जिसके द्वारा कोई जैव पदार्थ पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व को ग्रहण कर अपना वृद्धि और विकास करता है, उसे पोषण करते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जैव पदार्थ पोषक तत्व ग्रहण कर अपना वृद्धि और विकास करता है, उसे पोषण करते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण, स्व मतलब अपना है ना, खुद, पोषण मतलब भोजन, जो अपना खुद भोजन बनाएगा उसे कहेंगे स्वपोषण कहेंगे। जैसे हरे पेड़ पौधे है ना, हरे पेड़ पौधे जो होता है ना स्वपोषण होता है, स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन कुछ पौधे का अपवाद है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, जैसे अमर बेल जो है स्वपोषण है, ये किसी और पर आश्रित रहता है। अब पर पोषण का डिफिनेशन क्या होता है कि पर मतलब होता है प्राय है ना, प्राय मतलब दूसरे है ना, और पोषण मतलब भोजन, जो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है, दूसरों पर आश्रित होता है, उसे कहेंगे पर पोषण। जैसे जीव जंतु है ना, जीव जंतु जो होता है परपोषी होता है या परपोषण होता है, ठीक ना। और यह ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण है ना, तब प्रकाश संश्लेषण जो होता है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण है ना, यह ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है केवल पेड़ पौधा में होता है, वो भोजन बनाने में मदद करता है। पेड़ पौधा अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा है ना निर्माण करता है, और पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग दिखता हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल में जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं सभी स्वपोषी होते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन केवल अमर बेल को छोड़कर, वो भी पौधा है लेकिन क्या है अपवाद है उसका, स्वपोषण के अपवाद है बने परपोषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, जल होना चाहिए, ये चार चीज़ होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ में एक चीज़ भी गायब रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण है ना, ध्यान देना, 6CO2+2H2 सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, तो निर्माण होगा हुआ 6H12O6+6O2+6H2। मतलब क्या क्या ध्यान देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु जो वायुमंडल से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु वायुमंडल से मिलता है, और यह जल, जल, और यहाँ ध्यान देना तो इसका 12 अणु जो है मिट्टी से प्राप्त होता है, 12 अणु किससे प्राप्त होता है मिट्टी से, और 6H12O6 जो होता है ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज होता है, और कार्बोहाइड्रेट होता है जो भोजन में जमा रहता है, ठीक ना। 6O2 है ना, 6O2 ये जो है वायुमंडल में मुक्त होता है, ये ऑक्सीजन जो है क्या होता है वायुमंडल में मुक्त होता है, और 6H2O जल होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व देखो, जीव जंतु को ऑक्सीजन मिलता है, जीव जंतु को ऑक्सीजन मिलता है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बन रहता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच क्या रहता है संतुलन, क्योंकि जब पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो उस समय जो है जब भोजन बनाता है तो भोजन के फलस्वरूप जो है क्या होता है जल टूटता है, जल टूटता है तो जल से विखंडन होता है, तो जल जब टूटता है तो ऑक्सीजन जो है हम सबको मिलता है। इस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण के वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच क्या रहता है संतुलन बना हुआ रहता है।